नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। किस पर विश्वास और किस पर अविश्वास? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार आज बहस हुई और 10 अगस्त को राहुल गांधी बोलेंगे और उसी दिन पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। विपक्षी गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की ओपनिंग की और सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने शुरुआत की। अब ये बहस अगले दो दिन तक यूं ही चलेगी, लेकिन अब जो सवाल बना हुआ है वो ये है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों? हर किसी को इस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा पहले से मालूम है। दिल्ली सर्विस बिल पर पिछले हफ्ते लोकसभा में विपक्ष की हार हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आखिर विपक्ष क्यों अविश्वास प्रस्ताव पर अड़ा है? क्या अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष पीएम मोदी को मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर कर रहा है? और सवाल ये भी है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की एकता का इम्तिहान है? संसद में विश्वास पर टेस्ट के बीच राजस्थान में भी मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। कल राहुल गांधी मानगढ़ धाम से आदिवासियों को संदेश देंगे। संसद में टेस्ट और विश्वास पर जंग के बीच 2023 और 2024 में कौन बेस्ट होगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष, बताइए। तो ये विश्वास की जंग है, इस मुद्दे पर चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी हैं, बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुई हैं, आप नेता योगेंद्र गुप्ता जी और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। प्रशांत बैरवा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सवाल बार बार वही हो रहा है कि आखिर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर क्यों अड़ा रहा? आज से शुरुआत हुई, चर्चा हुई, क्या आज की चर्चा से संतुष्ट है? और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर ये इम्तिहान अविश्वास प्रस्ताव के ये है किसका? देखिए, मणिपुर जैसे मुद्दे पे हमें बोलना नहीं दिया जाए सारी मतलब कांग्रेस पार्टी को और अदर विपक्ष दलों को, तो एक ब्रह्मास्त्र था हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव का जो हमने रखा है। इस बहाने कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबके प्रधानमंत्री हैं वो कम से कम बोलेंगे तो। इशू बड़ा सेंसिटिव है, उस पर बोल नहीं रहे, 80 दिन तक आस पास चुप्पी रहती है। आपको मालूम है नंबर गेम्स पूरे क्लियर हैं कि हम इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम प्रस्ताव का के सरकार को गिरा सके, वो नहीं है। मगर हम विपक्ष के नाते कम से कम जगाना चाहते हैं वो तमाम मुद्दे। पहले कहते थे कि यही बीजेपी वाले कि विपक्ष कहाँ है, कहीं नहीं है। अब कोई मुद्दा मिला है उसको बात करने के लिए हम कम से कम, हमारा हक तो बनता है कि यानी पता है कि कोई जीत होनी नहीं है क्योंकि उतने नंबर्स नहीं है, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है तो विपक्ष ये चाह रहा है। तो देखिए ना, हठधर्मिता इतनी ज्यादा हो गई है कि एक भी ना तो प्रधानमंत्री जी वहाँ विजिट किए, चाहे फॉरेन कंट्री विजिट कर ली, वहाँ जाना चाहिए था। मणिपुर भी हमारा, इनके मंत्री बोलते हैं कि जो भी किया वो कांग्रेस की देन है, तो 9 साल में पावर इनकी रही, आपने क्या किया उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। फिर भी इतनी अगर इनको चिंता होती है तो कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग्स के एमपी की बुलाते और एक एक दल को विजिट करवाते वहाँ पे, जो आग लगी कम से कम बुझती तो सही। मगर ये बोलना नहीं चाहते, डाइवर्ट करना चाहते, कभी राजस्थान के ऊपर आते हैं, कभी पश्चिम बंगाल के आते हैं, असल जो मुद्दा है उसको भूल जाते हैं। लेकिन अब तो तैयार हो गया, अब तो चर्चा हो रही है, आसे हो रही है, अच्छी बात है, तो हो भी रही है, बात निकल के भी आएगी, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे भी सही, ये जिम्मेदारी तो लें, पूरी जनता ने इनको जिता के भेजा है, 9 साल से हमारे प्रधानमंत्री है, बचाव प्रचंड बहुमत में हुई है। मगर जो इश्यूज है आप किसी स्टेट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये चाहते तो मुख्य, अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती या अदर किसी और की सरकार होती तो 2 मिनट के अंदर ये मुख्यमंत्री को रिजर्वेशन ले लेते। ठीक है, सुमन जी भी, क्योंकि इसका जवाब उनसे ही ले लेते, सुमन शर्मा जी भी मौजूद हैं। सुमन जी, अभी आपने सुना प्रशांत बैरवा जी ने क्या कहा, बार बार विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस भी लगातार आवाज उठाती रही है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि जब नंबर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि पता है पहले से कि इसका रिजल्ट क्या होना है। लेकिन कहना यही कि जगाने की कोशिश है, कोई और स्टेट में अगर वहां सरकार किसी और की होती तो एक्शन लेने के लिए प्रेशर बनाया जाता, और अब खुद की सरकार है तो कोई सुनना नहीं है, कोई देखना नहीं है, कहीं जाना नहीं है वहां पर किसी को, शायद इसलिए विपक्ष बोल रहा है कि हमारी मजबूरी है अविश्वास प्रस्ताव लाना। क्या वाकई में ऐसा है? श्वेता जी, मैं बहुत ही
श्वेता जी, मैं बहुत आदरपूर्वक प्रशांत जी को बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी को जितना बोलना चाहिए वो बोलते हैं। पहले तो आप लोग बहुत परेशान थे, सारे कांग्रेस के मित्र और ऑपोजिशन के लोग, कि देश के प्रधानमंत्री जी बहुत बोलते हैं। प्रधानमंत्री को जितना बोलना चाहिए उन्होंने बोला, और अब जो करना है वो कर भी रहे, वरना मणिपुर की जो हालत होती आप लोग उसको उसका अंदाजा भी नहीं होता। यहाँ स्टूडियो में बैठ के प्रशांत जी बोल रहे हैं कि मणिपुर को देखना चाहिए। मणिपुर को कितने सालों से आप लोगों ने खड्डे में डाल रखा था, विकास की यात्रा तो 9 साल आपकी सरकार रही है ना, आपने क्या किया? अभी जो जातीय संघर्ष आपने क्या किया? 9 साल आप जानते हैं, 9 साल से आप पावर में हो। हाँ तो बता रहे हैं, विकास किया, नॉर्थ ईस्ट को खड्डे में पटक रखा था आपने। 9 साल में हमने विकास की राह पे मणिपुर को खड़ा किया। ये तो एक कोर्ट के डिसीजन के बाद जातीय संघर्ष हुआ जिसको कंट्रोल किया। अगर आप लोग होते तो वहाँ जाने क्या होता, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या। अभी मैं शुरू करूं बोलना तो डिबेट डाइवर्ट हो जाएगा। करना चाहते हैं, बता रही हूँ ना कि मणिपुर जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मणिपुर में हम लोगों ने क्या क्या किया। आपने एक वीडियो को देख के आप लोगों को तूफान आया। आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाई नहीं गई, हमारे गृह मंत्री मणिपुर गए नहीं क्या, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? तो ये एक सवाल का जवाब है। दूसरा, 5,000 एम्यूनिशन चोरी हो गए वहाँ पे, 6 लाख गोलियां चोरी हो गई मेरे पास, नंबर गेम नहीं है ये। 20 जुलाई 2018 सुन तो लो प्रशांत जी, 20 जुलाई 2018 में भी अविश्वास मत लाए थे ये लोग, प्रस्ताव लाए थे, क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी। अभी एक्चुअल में श्वेता हकीकत तो ये है कि ये अविश्वास मत खुद के विश्वास को पैदा करने के लिए लाया जा रहा है। जब से इन्होंने इंडिया बनाया है, इन्हें खुद के ये पास तो आ गए, 7 तो आ गए हैं, पर पास नहीं है ये लोग। ये देखना चाहते हैं राहुल गांधी और उनके माने विशेषकर राहुल गांधी कि हमारे कितने करीब ये लोग हैं। ठीक है सुमन जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि इम्तिहान इनका खुद का है, ये जो गठबंधन बना है ये इम्तिहान उनका खुद का है। योगेंद्र गुप्ता जी, और कोई मुद्दा नहीं है योगेंद्र गुप्ता जी, 24 का संग्राम है और कहते हैं कि ये सिर्फ बहस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। 2024 की तैयारी में है, जहां पर सत्ता पक्ष ये जताना चाह रहे हैं कि हमने इतने सालों में किस तरह से विकास किया और कैसे हर मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, तो विपक्ष ये दर्शाना चाह रहा है कि किस तरह से इन 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ है और क्यों बदलाव की जरूरत है। ये संग्राम तो है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ रहा है? क्या राहुल गांधी की अब जिस तरह से बहाल हुई है, उनके सदस्यता वापसी हुई है, एक बार फिर से आपको लगता है कि अपोजिशन मजबूत हुआ है और टक्कर देने के लिए तैयार है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में तो खैर ये नजर ही नहीं आता है। देखिए श्वेता जी, यहाँ टक्कर देने या नहीं देने का सवाल नहीं है, प्रश्न ये है कि लोकतंत्र के मंदिर पर जिस तरीके से सिर नवाकर अंदर प्रधानमंत्री जी गए और उसके बाद जिस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मखौल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, देश की ज्वलंत समस्याओं पर बोलने के बजाय सिर्फ मन में जो आता है उसको बोलकर जिस तरीके से लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, और मणिपुर, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है सुमन जी, वो कितना कैजुअली बोल रही है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी पहले बहुत बोलते, आप ही तो कहते थे बहुत बोलते हैं। अरे भाई बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या मणिपुर का आप सामान्य कैसे ले रहे हैं क्या? कितना इजीली आप बोल रहे हैं, वीडियो देखकर आपने मणिपुर के लिए बोल दिया, वीडियो विभत्स वीडियो, मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सुमन जी, वो और उस वीडियो को देख, वो वीडियो अगर वो वीडियो सुमन जी मेरी बात सुन लीजिए, इतना उत्तेजित मत होइए बैठक में, इतना उत्तेजित मत होइए, मेरी बात को सुनिए, दिख रहा है क्या? ये भाजपा की समस्या है, भाजपा की समस्या ये है कि उसको जब भी कुछ बोला जाता है वो तुरंत टोकना शुरू कर देते हैं। सच को सुनने की हिम्मत रखिए राजस्थान में, सुमन जी सच को सुनने की हिम्मत रखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे राजस्थान? राजस्थान पे क्यों नहीं चर्चा करते? राजस्थान मणिपुर आपको याद आता है और राजस्थान याद नहीं आता? राजस्थान में किस तरह से सुमन जी बिल्कुल बात कीजिए ना, बात राजस्थान पर कीजिए, बात उत्तर प्रदेश पर भी कीजिए और बात मणिपुर पर भी कीजिए। क्यों एक राज्य को छोड़कर हम दूसरे राज्य पर बात करें? हम सब पर बात क्यों ना करें? हम सब पर बात क्यों ना करें? जहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई है उनकी बातें हम क्यों ना करें? राज्यों पे बात करेंगे, एम्यूनेशन चोरी हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्या कर्फ्यू लग रहा है राजस्थान के अंदर, क्या मंत्रियों के, प्रशांत जी भारतीय जनता पार्टी उसके प्रवक्ताओं ने थ्योरी कर दी है राजस्थान में कुछ हो रहा है, मणिपुर में होना चाहिए, विदेश में महंगाई है, देश में महंगाई होनी चाहिए। अरे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति, किस तरह की घेराबंदी आज संसद में नजर आई? लेकिन मणिपुर में नहीं, क्योंकि यहाँ अभी भी सब अपनी अपनी बात पर ही अड़े हुए हैं, लेकिन आज घेराबंदी संसद में कैसी नजर आई?
अगर 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 यही सब कुछ योगेंद्र जी एक मिनट जवाब लेने दीजिए। बिल्कुल देखिए तैयारी से INDIA भी आए थे तैयारी से और एकजुटता भी नजर आई। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी तो तैयारी से हमेशा रहती है, लेकिन आज जब पहला शुरुआती भाषण हुआ वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण था। गौरव गोगोई ने जिस तरीके से अपने मुद्दे रखे वो उसके बाद पार्टी के सभी लोगों ने और यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने उनको बधाई दी कि आपने जिस तरह से बात रखी बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सलीके से और तमाम मुद्दों पर बात की। ये बात अलग है कि निशिकांत दुबे ने भी रिप्लाई किया, राजनीतिक उसको कर दिया, उसके बाद हंगामा हो गया, तमाम और मुद्दों पर हंगामा हुआ, लेकिन इंतजार था राहुल गांधी के भाषण का जो नहीं हो पाया। उसके अलग 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 तरीके से अलग अलग वजह आ रही है, लेकिन तीन चीजें हैं जिस पर अब अगले 48 घंटे में आकर्षण रहने वाला है। पहला कल शाम 5 बजे अमित शाह के भाषण का, क्योंकि अमित शाह इंटरवीन करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए है? मणिपुर के हालात को लेकर। और जब मणिपुर पे अमित शाह बतौर जो गृह मंत्री हैं काफी तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि वो पहले भी चर्चा में शामिल होना चाहते थे, तो वो एक एक चीज एक एक बात जो है टेबल पर रखने वाले हैं, इंटरवीन करेंगे। इसके बाद फिर 10 तारीख का समय आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद 5 बजे जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी बोलेंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी 2018 में क्या बोले थे, किस परिपक्वता से बोले थे, क्या कुछ बोले थे, और अब जो ये 5 साल बीत गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा चुकी है, वो निष्कासित होके वापस भी आए हैं और बहुत सारे चीजों से गुजर कर लौटे हैं, तो ऐसे में अब उनसे कुछ और उम्मीदें हैं। तो कांग्रेस उत्साहित है जिस दिन से राहुल गांधी की वापसी हुई है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, मैं ये कहना चाहती हूं कि आज भी मैं चर्चा देख रही थी, कोई राजस्थान पे इशू उठा रहा है, कोई मणिपुर पे इशू उठा रहा है, और इशू उठाना चाहिए, विपक्ष का पक्ष का काम है ये, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे जो वर्तमान स्थिति है उसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा है मणिपुर की स्थिति, मुद्दा है कि दोबारा ऐसा ना हो, मुद्दा यह है, लेकिन क्या इस राजनीति में एक दूसरे को बैकफुट लाने की इस लड़ाई में उस जीत में क्या मणिपुर का एक्चुअल मुद्दा गौण हो जाएगा? क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? क्योंकि 2018 में जब यह मुद्दा उठाया गया था, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तब भी साउथ के किसी एक स्टेट के मुद्दे के लिए आया था, लेकिन वो मुद्दा गौण हो गया। तो उम्मीद यही करते हैं, हालांकि एक्सेलेंट सभी लोगों ने अपने बेस्ट प्रवक्ता रखे हैं और सब अगर कोई नैला देता है तो कोई दहला दे रहा है, तो आज भी बहुत कुछ एक्शन देखा, कल तो और एक्शन होगा। सुबह 10 बजे सारे एनडीए के सांसद, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद गांधी मूर्ति के बाहर क्विट इंडिया का नारा लगाएंगे, क्योंकि कल क्विट इंडिया 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो उसकी वर्षगांठ मनाएंगे। पर आप देखें शब्दों का फेर, क्विट इंडिया और इंडिया को लेकर लगातार कभी घमंडिया कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो राजनीति आज चरम पे थी, कल भी चरम पे होगी और परसों तो बिल्कुल अधिक, और इसलिए शायद होना है सत्ता पक्ष इसको इंडिया मानता ही नहीं है और इसलिए कहता भी INDIA है कि ये इंडिया नहीं, और इंडिया कह लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता है, सवाल इसको लेकर भी उठाए जाते हैं। बहरहाल रुक करते हैं हमारे साथ SP मित्तल जी भी। SP मित्तल जी, अभी आपने पूरी चर्चा सुनी, सबकी अपनी अपनी बात, लेकिन एक अहम बात है, कल राहुल गांधी आ रहे हैं राजस्थान, संसद में घेराबंदी की गई, तो दूसरी तरफ मोर्चाबंदी राजस्थान में भी हो रही है, कह सकते हैं कल आदिवासी दिवस है, कल आदिवासी क्षेत्र से ही शंखनाद राहुल गांधी करेंगे, इससे पहले कि जब उनकी सदस्यता बहाल हुई है, इससे पहले कि जब INDIA को मजबूती मिल रही है, मजबूती के तौर पर देख रही है कांग्रेस, इससे पहले कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत खुद को महसूस कर रही है कुछ राज्यों में जीत के बाद, कल राहुल गांधी का आना, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि कितनी मजबूत यहाँ पर कांग्रेस हो रही है? दूसरी तरफ जो संसद में चल रही है घेराबंदी, उसे लेकर भी क्या कहेंगे? देखिए सुनो, सबसे पहले मैं तो संसद की कार्रवाई है जो आज विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई इसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। असल में जो विपक्ष है उसको भी पता है कि नंबर गेम उनके साथ में नहीं है। हमने कल ही देखा जब क्या नाम दिल्ली सर्विस बिल के बारे में जो बहुमत था वो क्या नाम से NDA के साथ में था, और जो विपक्ष था उसको जो अनुमानित उनके जो वोट थे उतने वोट भी उनको नहीं मिले। तो इससे जाहिर होता है कि जो नंबर गेम है वो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इस अविश्वास प्रस्ताव का मुझे लगता नहीं है कोई निष्कर्ष निकला है। लेकिन ठीक है, एक बात आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे, कुछ लेटेस्ट अपडेट है अदिति के पास। अदिति क्या कह रहे हैं, क्या खबर? थोड़ा
चलिए शायद उनसे कनेक्शन टूटा है, लेकिन एसपी मित्तल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। श्वेता, मैं यही कह रहा था कि जो ये जो आज मैंने भी बहस देखी, ये बहस वाकई देश के सारे लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ विपक्ष है वो सरकार की कमजोरियां गिना रहा है, तो वही जो क्या नाम से एनडीए जो सत्ता है, सत्तारूढ़ पार्टी दल है, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहा है। तो ये पूरा निष्कर्ष देश की मौजूदा जो हालात है, चाहे वो क्या नाम से भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे अत्याचारों को लेके हो, चाहे देश की उपलब्धियों को लेकर हो, उस पर इससे बढ़िया बहस मुझे लगता है कि नहीं हो सकती। आज जिस तरीके से गौरव गोगोई ने और उसके बाद में मनीष तिवारी ने विपक्ष का पक्ष रखा, और फिर उसके बाद में क्या नाम से वो जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर पूर्वी राज्यों में डेवलपमेंट का काम हुआ। ठीक है, लेकिन मित्तल साहब, ये विश्वास की जंग है, लेकिन इम्तिहान ये किसके देख रहे हैं आप? क्या INDIA का है या फिर वापस इसका जवाब लेंगे? लेकिन क्योंकि बैठक यहां पर जारी राजस्थान के सांसदों के साथ, अदिति क्या इससे लेकर अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपकी आवाज कट के आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, उनके साथ उनका जैमर भी पहुंच गया है, तो नेटवर्क इशू आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान सांसदों की बैठक में, वैसे तो इसे एनडीए घटक दलों की बैठक माना जा रहा है, लेकिन राजस्थान सांसदों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, और इसके बाद उनको महाराष्ट्र की बैठक में भी जाना है, महाराष्ट्र गोवा के सांसदों की। लेकिन यहाँ पर राजनाथ सिंह पहले पहुंच चुके थे, और उसके बाद यहाँ पर और भी जेपी नड्डा तस्वीरों में हम देख रहे हैं, तमाम जो सांसद है वो पहुंच गए थे। सभी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लिए क्या सोचा हुआ है, राजस्थान की 200 सीटों के लिए क्या सोचा हुआ है, राजस्थान की 25 सीटों के लिए क्या सोचा हुआ है। और आज माने या नहीं माने, राजस्थान के सांसद कमर कसे हुए होंगे कि आज कुछ ना कुछ डांट कह सकते हैं या समझाइश, जैसे एक बड़ा जो लीडर होता है या टीचर जो होता है जो अपने स्टूडेंट्स को समझाता है कि ऐसे तो आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते, ऐसे तो ना आप सेमीफाइनल पास कर सकते हैं और ना फाइनल, तो आपको प्री बोर्ड्स क्लियर करने होंगे तभी आप बोर्ड्स कर पाएंगे। इसलिए 2023 की जो चुनाव की चुनावी लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, जाति समीकरण से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। वापस रुख करेंगे, बस सवाल यही था कि क्या सभी सांसद मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि डिबेट का वक्त भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। प्रशांत बैरवा जी, अभी आपने सुना अभी कि एसपी मित्तल जी भी क्या कहते हैं, कितनी बढ़िया यहाँ पर चर्चा हुई है डिबेट में, लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी कल आ रहे हैं, तैयारियों में यहाँ कांग्रेस जुटी है, एक उस पर भी जवाब जरा दे ही दीजिए। देखिए, राहुल जी को जो न्यायालय ने राहत दी, आई थिंक वो जग जाहिर है, सत्य में जीते हैं। अब कल पहली बार मौका मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी तो 7 बार आ गए 6 महीने के अंदर, राहुल जी अब आएंगे तो कल आप देखिएगा कितनी जबरदस्त भीड़ उमड़ती भी है। अब कोई भीड़ का कोई कंपेरिजन नहीं है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अति हर चीज़ की बुरी हुई है, जैसा राहुल गांधी के साथ किया गया है आई थिंक जनता उसका जवाब देगी। हम मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस को ये अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं भाजपा वाले, जो अच्छा है, जब एंड में इनको पता लगेगा कि जनता ने इनको क्या मैंडेट दिया है। ठीक है, सुमन जी राहुल गांधी कल आ रहे हैं, राजस्थान की भी बात कर लेते हैं जरा, क्योंकि चुनावी मोड पे है, एक तरफ तो दिल्ली में राजस्थान के सांसदों के साथ अहम मीटिंग जारी है, तो दूसरी तरफ कल राहुल गांधी आ रहे हैं, और जिस तरह से दावे भी किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बार बार सरकार रिपीट होने के, बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि बीजेपी कहती तो है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बयानों से लगता है कि कुछ तो है जो इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए श्वेता, मैं बहुत आदरपूर्वक उनका स्वागत भी करूंगी, वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल जानना चाहूंगी, प्रशांत जी बैठे हैं और कांग्रेस के सभी नेताओं से भी, कि कल राहुल गांधी मानगढ़ तो आ रहे हैं, वहाँ आके वो क्या दम भरेंगे, वो आएंगे तभी पता चलेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि राजस्थान के उस भीलवाड़ा की बेटी के परिवार के घर भी वो जाएंगे, अजमेर की बेटी के घर जाएंगे वो, या हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो दलित बहनों के साथ इतने अत्याचार हुए उन बहनों के परिवार से मिलेंगे वो जाके, खाजू वाली बेटी के परिवार से मिलेंगे क्या? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि वो कहती है प्रियंका गांधी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान में भाई आ रहे हैं, तो क्या वो जाके उन बेटियों के आंसू पोंछेंगे क्या? एक सवाल है। सारे नेता मुख्यमंत्री नहीं गए, मुख्यमंत्री केवल बैठ के बातें कर रहे हैं, जाएंगे वो भी जाएंगे, नहीं बोला निश्चित रूप, आज ही मीटिंग ली है, इतना खतरनाक राजस्थान में, आज ही सीएमओ मीटिंग, लेकिन एक शब्द नहीं बोला उन्होंने,
वो एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी की बहाली का जश्न पूरे कांग्रेस के लोगों ने मनाया, पर उस बेटी के लिए कुछ नहीं बोला मुख्यमंत्री जी ने। सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन भट्टी कांड वाली बेटी के लिए एक शब्द नहीं बोला। हम प्रेरित कर रहे हैं, सचिन पायलट जरूर गए, की घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर पर आवाज बुलंद की जा रही है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? राजस्थान सरकार सहायता दे रही है, राजस्थान सरकार के मुखिया कौन है? जवाब सरकार सहायता नहीं दे रही, राहुल गांधी जाएंगे क्या? कल का ही दौरा राहुल गांधी क्यों नहीं जाएंगे? योगेंद्र जी, राहुल गांधी कल जाएंगे क्या, ये बताइए। पहले तो संसद में जाएंगे, उसके बाद आएंगे। योगेंद्र जिसका जवाब सर वक्त खत्म हो रहा है, एक बार रिपीट करना पड़ेगा श्वेता जी। सवाल यही है कि ठीक है, भी गई क्या? ठीक है, सवाल ये हो रहा है, मणिपुर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, राजस्थान की बेटियों को लेकर जिनके साथ इस तरह के हादसे हुए हैं, जिन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, क्या उनके यहाँ जाएंगे? जो सुमन जी सवाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी वोट बैंक पर नजर है कल के इस दौरे को, तो इस लिहाज से देखेंगे। देखिए श्वेता जी, बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार किसी प्रदेश में, किसी स्थिति में, किसी हालत में स्वीकार्य नहीं है, ये स्पष्ट है। लेकिन जहां तक मणिपुर का सवाल, आप छोटा सा डेटा आप उठा के, शायद नहीं पता होगा हमारे भाजपा प्रवक्ता को, मणिपुर में खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह का वीडियो सामने, ऐसी सैकड़ों घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है, क्या ऐसे आप सामान्य बोलेंगे? मणिपुर में 4,500 से ज्यादा खतरनाक विपक्ष लूटे गए, क्या सामान्य मानेंगे? मणिपुर में 6,000 से ज्यादा FIR हुई है, जिस पर रेप शामिल है, लूट शामिल है, हत्या शामिल है, इसे नॉर्मल मानेंगे आप? और मणिपुर के अंदर, अरे मणिपुर देश का भाग है भाई, मणिपुर इसी देश में है, मणिपुर सुमन जी, मणिपुर हिंदुस्तान का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, आप मणिपुर को शायद विदेश मान रहे हैं, आपको राजस्थान, आप विदेश मान रहे हैं मणिपुर को, राजस्थान आप मणिपुर का, मैं आते उछल पड़ते हैं, राजस्थान मणिपुर हिंदुस्तान का भाग है, मणिपुर का, अरे आप ये बोल दीजिए मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है, डबल इंजन की सरकार है जी, आपको मणिपुर से तकलीफ शुरू हो जाती है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, मणिपुर में इन्हीं के मंत्रियों के घर जला दिए गए, मंत्री जिले MLA को पीटा गया, इनके भाजपा के MLA को पीटा गया, जनता ने रेप के अलावा भी एट्रोसिटीज हो रही है, उसका जवाब दीजिए ना आप, मणिपुर में जवाब रेप के अलावा भी हो रही है, मंत्री चल रहे हैं, MLA की पिटाइयां हो रही है, हाथ में तोड़ दिए, राहुल गांधी भी बोलेंगे, मोदी भी बोलेंगे, उसके बाद सुनना ज्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर का नाम लेते ही तकलीफ शुरू हो जाती है, कमेंट आपसे चाहेंगे दोनों पर, सबसे अहम तो ये जो कल का लेकर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी की गलती है, को ज्ञान नहीं दे रहा, हम सक्षम है, संज्ञान ले लो, कल होने वाला संबोधन, संज्ञान ले लो, मणिपुर को हम कंट्रोल करेंगे, एसपी मित्तल जी चिंता ना करें। ठीक है शिवाजी, मेरा ये मानना है कि कल जो राहुल गांधी की जो मानगढ़ में सभा हो रही है वो महत्वपूर्ण सभा है, क्योंकि जो मानगढ़ धाम है वो आदिवासियों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, हमने देखा है कि क्या नाम से किस तरीके से आदिवासी मूवमेंट वहां पे चालू हुआ था और 9 अगस्त को, और राहुल गांधी उसी संदर्भ में आ रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी ध्यान के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होगा, और उदयपुर संभाग के अंदर, उदयपुर में करीब 28 सीटें विधानसभा की आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इन 28 सीटों पर इस रैली का असर पड़ेगा, और ये देखना होगा कि जो आदिवासी मूवमेंट चला हुआ था उसके लिए क्या नाम से राहुल गांधी क्या घोषणा करते हैं, और जो मुख्यमंत्री जी हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से मांग की गई थी कि इसको क्या नाम से कॉरिडोर घोषित किया जाए, अब वो मानगढ़ धाम के लिए मुख्यमंत्री जी क्या घोषणा करते हैं ये कल पता चलेगा, लेकिन जो राहुल गांधी की सभा है मेरा यह मानना है कि राजनीतिक दृष्टि से अपने आप महत्वपूर्ण होगी, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से इस आदिवासी मूवमेंट में आदिवासी राज्य की मांग की जा रही है, तो मेरा मानना है कि पूरे आदिवासी क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों मिलकर क्या नाम से प्रवक्ता जो है वो एक सी बात कर रहे हैं, तो क्या आगामी जो विधानसभा का चुनाव है राजस्थान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है, इसलिए जुड़ता है कि INDIA क्या एक साथ होगा या सिर्फ केंद्र के लिए 2024 के लिए साथ आ रहा है, या राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं साथ नजर आएगा, पहला ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, विश्वास की जंग है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी, अहम रहेगा 10 तारीख जब राहुल गांधी का भी संबोधन होगा संसद के अंदर, तो वही जवाब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देंगे, लेकिन उससे पहले कल क्योंकि अहम सभा है मानगढ़ में राहुल गांधी की, उनका संबोधन भी बेहद अहम रहेगा, क्या कुछ वादे किए जाते हैं, किस तरह से वोट बैंक को साधने की वहां पर कोशिश रहेगी, और कितने कॉन्फिडेंस यहां पर नजर आएगा, कॉन्फिडेंट नजर आएंगे राहुल गांधी, वो भी बेहद अहम रहेगा। तो दो दिन बेहद अहम होने वाले कल और परसों के, लेकिन देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि कोशिश हर कोई यही कह रहा है कि जीत हमारी हो सके, बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव पर तो रिजल्ट सामने ही नजर आता है। इसी के साथ चलिए दीजिए इजाजत।